धन्यवाद सभापति महोदय। एक तो मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है सर कि मैं जिस जिले का हूं भागलपुर का, भागलपुर का भी नाम इसमें है जो पांच इंस्टीट्यूशन केंद्र सरकार प्रोमिनेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रही है, उसमें भागलपुर भी आज इस बिल का पार्ट है। लेकिन सर मेरा एक दर्द भी है, दर्द यह है कि बिहार राज्य है, भागलपुर मेरा जिला है, और आज भी मैं, मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि मैं आज भी भागलपुर का ही वोटर हूं। तीन बार मैं झारखंड से सांसद हो गया, बगल में मुंडा जी बैठे हुए हैं। लेकिन जिस इलाके को मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उसमें और बिहार में काफी फर्क है। हम झारखंड से जो है सबसे ज्यादा पैसा देते हैं, इस देश का 40 से 45% माइंस और मिनरल्स उद्योग धंधे जहां पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, उसका सारा का सारा क्रेडिट जो है वो झारखंड और झारखंड के लोगों को जाता है। लेकिन यदि आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन मंत्रालय के तरफ से, तो दो विश्वविद्यालय जो है बिहार में हुए सर, एक उत्तर बिहार में और एक दक्षिण बिहार में, दो केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए गए। जिस तरह से कि बसुदी साहब यहां बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर में जम्मू के लिए अलग विश्वविद्यालय है और श्रीनगर के लिए अलग विश्वविद्यालय है। उसके अलावा जो मेरा गांव है सर, सौभाग्य की बात है, विक्रमशिला जहां कि मैं पैदा हुआ, जो विक्रमशिला मेरा गांव है जहां आज मेरे माँ पिताजी रहते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया हुआ है और उसका भी पैसा दिया हुआ है। वो बिहार सरकार जमीन नहीं दे पा रही है, इसलिए वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है। तो एक ऐसा राज्य है जहां की तीन तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और एक ऐसा राज्य है, क्योंकि बगल में मुंडा जी बैठे हैं तो मेरी बड़ी सुविधा है कि झारखंड दो पठारों से बना, छोटा नागपुर से और संथाल पन्ना से, और जितनी भी चीजें हैं, इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, किसी भी सरकार को रांची से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। मुंडा जी की एक कृपा है सर कि बीआईटी मेसरा जो है वो देवघर में चालू है, लेकिन जो हमारा राज्य है जहां की देवघर मेरा जो जगह है जहां से मैं सांसद हूं, मैं बताऊं कि रामकृष्ण मिशन वहां 1921-22 में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर बना, और आज भी वो इतना बढ़िया स्कूल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे पदाधिकारी, सारे बिहार झारखंड और बंगाल के लोग सोचते रहते हैं कि उनके बच्चे जो है रामकृष्ण मिशन में पढ़े। हमारे यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, अडानी आ रहा है, पावर प्लांट आ रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से वहां आ रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सर एक ही आग्रह है कि चूंकि झारखंड इस देश को चला रहा है, 40% 42% माइंस और मिनरल्स हमारे पास है, संथाल पन्ना सबसे पिछड़ा इलाका है और संथाल पन्ना में डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से मंत्री जी से कि आप जिस तरह से बिहार में तीन विश्वविद्यालय दे रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आप दो विश्वविद्यालय दे दिए, दो एम्स भारत सरकार ने दे दिया, आप देवघर को एक ट्रिपल आईटी दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस बिल का डिमांड पुनः भागलपुर के लिए एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं कि मेरे गृह क्षेत्र के लिए, मेरे जन्म स्थान के लिए आपने दिया, इसके लिए जय हिंद जय भारत।